મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે તેના પર નજર કરીએ। એક મહત્વના સમાચાર ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી અંગે મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને વધુ એક અપડેટ છે કે આજે ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થાય તેની પ્રબળ શક્યતાઓ છે। તો જે રીતે દરેક પક્ષો હાલ ઉમેદવારોને લઈને બેઠકો કરી રહ્યા છે, મંથન કરી રહ્યા છે, તો બપોર બાદ કેન્દ્રીય ચૂંટણી પંચ ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરી શકે છે તેવી માહિતી સૂત્ર તરફથી મળી રહી છે। આજે गुजरात विधानसभा की चूंटणी की तारीख जाहिर थाय तेवी प्रबल शक्यताओं जोवाई रही है। आप, कांग्रेस और भाजप आ तमाम पक्षों छे हाल तेमना दावेदारों तेमना उम्मीदवारों कोण रहेशे ते अंगे मंथन करी रह्या छे। बेठकोनो दौर अलग अलग पक्षों में जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे बपोर बाद आज चूंटणी की तारीख जाहिर थाय तेवी प्रबल शक्यताओं जोवा मळी रही है। तो गुजरात विधानसभा की चूंटणी ने लई आज चूंटणी की तारीख जाहिर थाय तेवी प्रबल शक्यताओं छे। उम्मीदवारों की पसंदगी ने लई आज प्रदेश भाजपनी पार्लामेंटरी बोर्ड की बैठक मळशे, जे 3 થી 4 दिवस सुधी चालशे। कमलम में प्रदेश पार्लामेंटरी बोर्ड की बैठक मळशे, जेमां केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, प्रदेश प्रमुख CR पाटील सहित पार्लामेंटरी बोर्ड सभ्यो हाजर रहेशे। निरीक्षकोए तैयार करेला दावेदारोना नामोनी यादी पर मंथन थशे अने दरेक बेठकमांथी 5 नामनी यादी तैयार कराशे। आ तमाम नामोनी यादी बंद कवरमां दिल्ली केन्द्रीय पार्लामेंटरी बोर्डने मोकलवामां आवशे। त्यारबाद दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी की हाजरी में केन्द्रीय पार्लामेंटरी बोर्ड की बैठक मळशे और आ बैठक में प्रदेश भाजपे मोकलेला 5 नामों में अंतिम एक नाम पर मोहर लागशे। भाजपे 2 दिवस निरीक्षकों ने जे-ते जिला में मोकली कार्यकर्ताओं की सेंस लेवामां आवी। आगामी विधानसभा की चूंटणी माटे कुल 4340 बायोडेटा मळ्या छे, जेमांथी सौथी वधारे बायोडेटा उत्तर गुजरातमांथी मळ्या छे। उत्तर गुजरातमांथी कुल 1490 बायोडेटा मळ्या, सौराष्ट्रमांथी 1163 बायोडेटा मळ्या, मध्य गुजरातमांथी 962, तो सौथी ओछा दक्षिण गुजरातमांथी 725 बायोडेटा मळ्या छे। हवे भाजप संगठन की संकलन समिति की बैठक मळशे, जेमां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मळेला सूचनों पर चर्चा करवामां आवशे। तो गुजरात की राजनीति में मोटा समाचार सामे आव्या। भाजपने हरावा कांग्रेस नेता भरतसिंह सोलंकीए आम आदमी पार्टी साथे जोड़ाण माटे संकेत आप्या। भरतसिंहे आड़कतरो इशारो करीने कह्युं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने टेको आपे तो अमे लई लईए। गुजरात में भाजपने हरावा मात्र आम आदमी पार्टी ज नहीं, एवी तमाम पार्टीओनो टेको लेवा कांग्रेस तैयार छे। भरतसिंहे राधनपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा दरमियान आवुं निवेदन आप्युं हतुं। आम आदमी कांग्रेस ने टेको आपे तो हम तो लई लीए, हमने क्या वांधो छे, वी विल टेक सपोर्ट। हमारे तो बीजेपी जेवा फासिस्ट कोमवादी परिबळो सामे लड़वुं छे अने जे प्रजा विरोधी छे, जे मोंघवारी, कोरोना आवा बनावो के जे बने छे, लठ्ठाकांड के मोरबीना, एमां प्रजाने रक्षण कोण आपे, एवा लोकोने साथे लईने अमे एनुं परिणाम लाववानुं। गुजरात में विधानसभा की चूंटणीनो पहला फरीकवार पोलीस बेड़ामां बदल्यो शुरू थई छे। गुजरात में दिवाळी पहला ज्यां 17 जेटला डीवायएसपी सीनियर आईपीएस ऑफिसर की बदली थी। विधानसभा की चूंटणी की तारीख जाहिर थाय ते पहला 12 आईपीएस अधिकारी की बदली आदेश अपाया, जेमां बलदेव सिंह वाघेला ने अमदावाद शहर ट्राफिक में डीसीपी की जवाबदारी आपवामां आवी। AN चौधरी ने अमदावादना ट्राफिक ने एडिशनल कमिश्नर की जवाबदारी सौंपाई। AG चौहान ने स्टेट पोलिस एकेडमी कराई की जवाबदारी आपवामां आवी। तो RT सूत्रा ने हजीरा में मरीन टास्क फोर्स SP बनावाया। उषा राडा ने SRP ग्रुप 11 की जवाबदारी सौंपाई। मुकेश पटेल ने CID क्राइम में DIG तरीके बदली कराई। पिनाकिन परमार ने सूरत में DCP झोन 3 की जवाबदारी अपाई है। तो हितल पटेल ने सूरत स्पेशल ब्रांच में DCP बनावाया। कुमल व्यास ने अमदावाद कंट्रोल रूम में जवाबदारी सौंपवामां आवी। कानन देसाई अमदावाद झोन 4 नवा DCP की बदली कराई। तो भक्ति ठाकर सूरत झोन 1 नवा DCP बन्या।